I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. क्या शंकर की हालत अच्छी नहीं प्रकाश, और अगर उसे यहाँ से कहीं हटाया नहीं गया तो हालत बिगड़ती ही जाएगी। इसका एक ही इलाज है, रमा को भूल जाना। मगर इस घर में वो रमा को भूल नहीं सकता। प्रकाश, तुम उसे कहीं बाहर ले जाने का बंदोबस्त करो। प्रकाश, बंबई से 20-30 मील दूर मेरा एक घर खाली पड़ा हुआ है, सर को वहां ले चल। तेरे घर ले चलूं? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं अकेला ही गुनहगार हूं? तूने भी तो मेरे साथ शर्त लगाई थी, और तेरे पास तो शर्त लगाने की कोई वजह भी नहीं थी। मेरे पास कम से कम वजह तो है। वजह? कैसी वजह? प्रकाश, कॉलेज में जब हम दोनों पढ़ते थे तो मैं भी तो तेरी तरह एक सीधा साधा लड़का था, पर गरीब था। पिताजी के देहांत के बाद मामा जी ने मेरी सगाई कर दी, लेकिन वो लड़की शादी से पहले एक अमीर लड़के के साथ भाग गई। जानता है क्यों? क्योंकि पैसा उसे वो सब आराम दे सकता था जो मैं उसे नहीं दे पाता। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर उंगलियां उठाई, और मैं उसी दिन से समझ गया कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। मैंने उसी दिन से मेहनत शुरू करके ये दौलत पैदा की, और उसी मजाक को सूद समेत लोगों को वापस करने लगा। वो दुल्हन लड़कियों की तस्वीर जो मेरे दिमाग पर बना गई थी, मैं हर लड़की में वही तस्वीर देखने लगा। पर रमा जी से मिलने के बाद वो तस्वीर कब धुंधली पड़ गई मुझे पता नहीं चला। प्रकाश, रमा जी के साथ जब मैं ये प्यार का नाटक कर रहा था तो कभी कभी मुझे ताज्जुब होता था कि इतनी फर्स्ट क्लास एक्टिंग में कैसे कर रहा हूं। लेकिन अचानक मुझे पता चला कि मैं तो एक्टिंग कर नहीं रहा, ये तो मेरी जिंदगी की सच्चाई बन गई है। हाँ प्रकाश, मैं रमा से और कुछ तो मैं इस समय कर नहीं सकता। प्रकाश, सर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, उन्हें जल्दी से मेरे घर ले चले। लेकिन वो तेरे यहां रहना स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं? उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है कि वो घर मेरा है? पर मैं उनसे कहूंगा क्या? चाहो तो कह दो कि वो घर किसी दोस्त का है, नहीं तो कह दो वो किसी दुश्मन का है। और अगर ये नहीं कह सकते हो तो चल सर को बता दें कि रमा जी के साथ तूने मुझसे कोई शर्त लगाई थी। प्रकाश, मैं ये कहकर तुझे ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, तू भी तो उनकी इस तरह सेवा कर रहा है कोई प्रायश्चित करने के लिए। क्या वो प्रायश्चित करने का अधिकार मुझे नहीं मिल सकता? क्या करो बाबू राम भाई, होश में आ जाओ, सीधा हो जाओ। किधर आए? इधर इधर। मजा आएगा और थोड़ी सी मजा आ गया। बाबूराम, बाबूराम जी साहब, इधर से ये सब तस्वीरें वगैरह हटा दी ना तूने? साहब, वगैरह हटाने को तो नहीं कहा था आपने। तुम बकबक बहुत करते हो। इसी बकबक में अगर तुमने किसी दिन उन लोगों से कह दिया कि यह घर मेरा है तो वो हो सब कहूंगा कैसे, ये घर मेरा है ही नहीं। मेरे ख्याल में वो लोग आ गए। नमस्ते साहब,
हाथ दीजिए। सिंह आपके लिए ऊपर इंतजाम कर दिया है, फिलहाल आप यहीं आराम कीजिए। आपके लिए चाय लाऊं? पहले अपना नाम तो बताओ भाई। मेरा नाम बाबूराम। वाह, बहुत प्यारा नाम है। क्या हुआ? आपने कहा ना बहुत प्यारा नाम है, मेरी बीवी भी यही कहती है। अच्छा बाबूराम भाई, मेरे यहाँ ठहरने से तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं साहब, तकलीफ तो आपको नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, छोटे साहब ने हजार बार बोला आपको पूरा आराम मिलना चाहिए, आज सुबह भी बोला है। आज सुबह? हाँ? तो मुझे एक दफे उनसे मिला दो है। मतलब वो यहाँ है नहीं, मतलब टेलीफोन से बात हुआ है। ओ, हाँ? नाम क्या है उनका? नाम मतलब क्या मुसीबत, मैं तो साहब को छोटे साहब कहता हूँ और बड़े साहब मुन्ना कहते थे। अरे मामा जी क्या बताऊँ, सब भूल गया। हमारे साहब तो हर नाम पे बोल देते हैं। असल में बड़े आदमी को बहुत सारे नाम होते, किशन भगवान को ले लीजिए, उनका 78 नाम थे। 78 कितना मालूम है? कितना? 108। करेक्ट। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। सर ऊपर चल के आराम करेंगे? अरे ना भाई, मैं तो पहले बाबूराम के हाथ की चाय पीऊंगा। बड़ा दिलचस्प आदमी है, हंसाई दिया मुझे। सर मैं 2 मिनट में आता हूं। हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा जाओ। प्रकाश, मैं बंबई जा रहा हूं, डॉक्टर शिंगल के लिए गाड़ी भेज दी मैंने, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। और सुन, ये गाड़ी मैं ले जाता हूँ, जिस गाड़ी में डॉक्टर शिंगल आ रहे हैं वो तेरे लिए होगी। ठीक है। साहब आपका चिट्ठी। सुनो, यहाँ कहीं आसपास फोन है? हाँ ऊपर है। वो तो मुझे भी मालूम है। अच्छा ऐसा करो, किसी पड़ोसी के यहाँ से इंद्र को फोन कर दो। इंद्र? इंद्र कौन है साहब? मैं किसी इंद्र को नहीं जानता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे मालिक का नाम इंद्र है? नहीं साहब, कमाल करते, मेरा मालिक ऊपर वाला। तो ये घर किसका है? मालिक का। मालिक कौन है? ऊपर वाला। देखो, अगर तुमने सीधी तरह इंद्र को फोन करके ये नहीं बताया तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम मुझे बता चुके कि घर उसका है। साहब अब जेंटलमैन होके झूठ बोलेंगे? सब बोलिए, क्या बोलना है टेलीफोन पे? ये कह दो कि 3-4 दिन में लैला यहाँ आने वाली है। लैला साहब, सब सुने, एक बात पूछू, लैला अकेली आएगी या साथ में मजबूर भी आएगा? नहीं आने दो। अरे आ गई तू, आ गई बेटी। आओ, गुलामिया कहाँ है? वो तो सादा क्रूज बाद आएंगे चाचान, वहाँ वो डेंटल सर्जनों की कॉन्फ्रेंस है ना। हाँ। मैंने भी उनसे कह दिया तुम दांत उखाड़ो जमाओ, मैं तो चली अपने चाचान के पास। मैं लैला बहन की पहुँचने की तार अभी भिजवा कराता हूँ। हाँ, जाओ जाओ। अच्छा किया चाचान, जो कुछ दिनों के लिए आप घर से हट गए। हाँ, वहां जी नहीं लगता था। जब आदमी अंधा हो जाता है ना बेटी, तो पिछले दिन उसे बहुत साफ दिखने लगते हैं। भगवान प्रकाश को खुश रखे।
प्रकाश भाई साहब आओ आओ, ये बड़ा अच्छा हुआ तुम कुछ दिनों के लिए आ गए। लैला, मैं सर की सेवा कर सकता हूं पर उन्हें खुश नहीं कर पाता। चाचा को तो अब कोई भी खुश नहीं कर सकता। रमा को भूलने के लिए जितनी जिंदगी चाहिए उतनी जिंदगी तो अब शायद उनके पास होगी भी नहीं। वो तो इसी गम में जी लेंगे। मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं, मुझे तो आपकी फिक्र है। क्यों, मुझे क्या हुआ है? देखिए, आप मुझसे अच्छा तो नहीं हो सकते। मैं इस वक्त रमा की सहेली नहीं, आपकी बहन के नाते पूछती हूं। क्या जिंदगी का यही मकसद है कि अगरबत्ती की तरह किसी के घर में जलकर आदमी खत्म हो जाए? अल्लाह ही समझे उस इंद्र से जिसने एक साथ तीन जिंदगियां खत्म कर दी। अच्छा हुआ इंद्र का जिक्र तुमने खुद ही निकाल लिया। मैं कई दिनों से तुम्हें इंद्र के बारे में एक बात बताना चाहता था पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये घर इंद्र का है। क्या? लेकिन चाचा तो कह रहे थे ये घर आपके किसी दोस्त का है। तो तुमसे किसने कहा कि इंद्र मेरा दुश्मन है? इंद्र सिर्फ अपना दुश्मन है। वैसे सच पूछो तो इस किस्से में कसूर कुछ ना कुछ सभी का है, मेरा भी। आपका? हाँ लल्ला, और सभी प्रायश्चित कर रहे हैं। सर अपने हिसाब से, मैं अपने तरीके से, और इंद्र अपने अंदाज से। लेकिन क्या चाचा को मालूम है कि ये घर इंद्र का है? नहीं, और उन्हें मालूम होना भी नहीं चाहिए। कबीर चाचा कह रहे थे कि सर को मैं उस घर से कहीं दूर ले जाऊं, इलाज बहुत महंगा है, मेरी माली हालत तो तुम जानती हो, और इंद्र प्रायश्चित करना चाहता था। किसी और घर के धोखे में आ गए हो या यही आए हो? यही आया हूं। गुड, लेकिन आजकल बहुत कड़की चल रही है। मैं तुम्हें सिर्फ रम पिला सकती हूँ। मैंने शराब छोड़ दी है। क्या, तुमने क्या किया? अरे ये तो कमाल हो गया। मैं अभी एक फोन करके आती हूँ। बात ऐसी है, मैंने एक फ्रेंड को बुलाया था, तुम्हारे आने का तो पक्का पता नहीं था ना। डॉली, दोस्तों को बुलाना छोड़ दो, इसमें कुछ रखा नहीं है। तो खाएंगे क्या? कुछ तो सोचा होगा अपने बारे में। मुझे क्या सोचना है इंदर, मैं तो अपने आने वाले कल और परसों की खबर आज के अखबार में पढ़ चुकी हूँ। मैं तो एक खोटा सिक्का हूँ, जब तक चल जाऊं चल जाऊं। डॉली, मैं तुमसे यही कहने आया था, एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। तुम सोच लो कि क्या करना चाहती हो। 20-25 हजार जो भी लगेंगे मैं दे दूंगा। 20-25 हजार? जिंदगी बहुत महंगी हो गई है इंदर। 20-25 हजार में तो शायद दर्शन हो जाएं दूर से। खैर कोई बात नहीं, दर्शन ही सही। निकालो पैसे, 3 महीने का किराया भी बाकी है। मैं तुम्हारे लिए खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.